उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भाजपा प्रत्याशी नैनीताल उधम सिंह नगर अजय भट्ट का दिनेशपुर चक्की मोड़ पहुंचने पर स्थानीय जनता ने जोरदार स्वागत किया। नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि मैं दोबारा अगर नैनीताल लोगों का सांसद निर्वाचित हुआ तो क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वर्तमान सांसद अजय भट्ट ने आगामी 2 अप्रैल को रुद्रपुर में मोदी मैदान में आयोजित जनसभा से ज्यादा लोगों को पहुंचने की अपील की, जैसे कि 2 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर मोदी मैदान विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता में सांसद अजय भट्ट, क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने गदरपुर विधानसभा, कालीनगर, जयनगर, नेतानगर, दिनेशपुर, चक्की मोड़, गुलार भोज विभिन्न स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया। लोगों का काम है कहना, है क्या कहते हो, जनता को सब मालूम। हाँ, अब सब जानती है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, शायद जो ऐसा कह रहे हैं उन्हें नॉलेज नहीं है, मेरी जो सांसद निधि है 4 महीने पहले सारी समाप्त हो गई है। और ये हमारा नहीं है, हमने तो पैसा दे दिया, बनाया नहीं बनाया तो वो एजेंसी जाने क्यों नहीं बनाया है। भुगतान ना होने में ऐसे नहीं गिना जाता, उन्होंने काम सब हो जाता है। काम हमारा अब सीधे सीधे सीडीओ से, जो नोडल अधिकारी है, आजकल एक प्रश्नावली लगा लें जिसको क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार में ले लेना, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सब पैसा खत्म हो गया है। अब मेरे पास करीब 80 लाख रुपए के एक्स्ट्रा बर्डन आ गए हैं, इतनी घोषणा हो गई है। अगर भगवान ने सब सफलता दी जैसे आप कह रहे हैं, और उसके जाते ही हम सबसे पहले उसको भी कर देंगे। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।